Now we start most important example of exercise 3.4, question number 2, sub question number 5. A lending library has fixed charge for the 3 days, first 3 days, an additional charge for each day. Sarita paid the 27 rupees for the 7 days. लाइब्रेरी में से बुक लैंडिंग करते हैं, बुक देते हैं पढ़ने के लिए, इनमें पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स होता है एंड एक्स्ट्रा एडिट 3 के बाद जितने भी एडिशनल डे होते हैं इसका एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो सरिता ने टोटल 7 डेज तक बुक लिया और 27 रुपीज़ पेड कर दी। सेम कॉपी सुशी ने 21 रुपीज़ पेड कर दिया एंड 5 डेज तक बुक रुकी। तो व्हाट इज द चार्ज फॉर द फिक्स 3 डेज एंड चार्ज ऑफ द ईच डे एक्स्ट्रा। नाउ वी सॉल्व द एग्जांपल। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड एडिशनल चार्ज पर डे मीन्स वाई रुपीज। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर द 7 डे। तो 7 डे में फर्स्ट 3 डेज का चार्ज एक्स रुपीज था, तो फर्स्ट 3 डेज प्लस 4 डेज टोटल 7 डेज होता है। सुशी सुशी taking for the 5 days, 3 days तो फिक्स था ही, प्लस 2 डे एक्स्ट्रा यूज कर दिया, तो इसी पे टोटल रुपीज 27 सरिता ने पेड कर दिया एंड 21 रुपीज पेड बाय दी सुशी। जब फिक्स चार्ज फॉर 3 डे तो एक्स प्लस रिमेनिंग एक्स्ट्रा डे फोर्थ है तो 4y इक्वल टू 27। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्यों? कि 3 दिन तक फिक्स चार्ज था तो कितना चार्ज था? एक्स प्लस एक्स्ट्रा 4 डे लिया, 1 डे का चार्ज वाई रुपीज था, तो 4 × y 4y सी पे टोटल 27। सिमिलरली सुशी पेड 21 रुपीज। नाउ वी सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। कभी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 27, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21 माइनस 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 साइन चेंज कर दी, द प्लस और माइनस कैंसल, 2 4y माइनस 2y 2y 27 माइनस 21 तो 6, तो y इक्वल टू 6/2 y इक्वल टू 3। नाउ पुट y इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सपोज 2 ले लो, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, x प्लस 2 × 3 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 − 6, x इक्वल टू 15। व्हाट इज द 15 रुपीज? द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे, 3 डेज इक्वल टू 15 रुपीज एंड चार्ज पर डे मीन्स एडिशनल डे इक्वल टू 3 रुपीज। दिस इज आंसर। थैंक यू वेरी मच।